दादू या पाठाचा पुढचा भाग आपण अभ्यासूया. मला चहात कमी साखर लागते हे त्याला दुसऱ्यांदा काही सांगावे लागले नाही. मला काळीचाही त्रास होऊ नये म्हणून तो जी धडपड करी ती पाहिली की मला आईची आठवण होई. लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मुझे चाय में कम शक्कर लगती है. ये बात सिर को उसे एक मरतबा बतानी पड़ी, उसके बाद उसे कभी बताने की नौबत नहीं आई. उसी तरह मला काळी चाय त्रास होने म्हणजे अजिबात त्रास न होने, जर्रा बराबर भी तकलीफ न पहुंचना, इस बात का ध्यान रखने के लिए वो जो धावपड़ जद्दोजहद किया करता था वो देख कर मुझे अम्मी की याद आती थी. दादू पंपा ने पानी काढू लागला की माझ्या मनाती या खडकाळ जागेचा कोटा जसा पाण्याचा झरा आहे त्याप्रमाणे वरून वृक्ष दिसणाऱ्या दादूच्या अंतकरणात ही प्रेमाचा एक गोड झरा आहे. लेखक कहते हैं कि जब दादू हैंडपंप से पानी निकालता था वो देख कर मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि जिस तरह पथरीली जमीन के अंदर मीठे पानी का झरना होता है बिल्कुल उसी तरह ऊपर से रुक्ष दिखने वाले दादू के दिल में भी मोहब्बत का एक मीठा झरना है. दादू ने माझी सर्व माहिती केव्हाच काढून घेतली होती पण स्वतः विषयी मात्र तो फारसा बोलत नसे. एक दोनदा रंगात येऊन त्याने आपली थोडीफार माहिती मला सांगितली होती. लेखक कहते है कि दादू ने बातों ही बातों में मेरी तमाम मालूमत हासिल कर ली थी लेकिन खुद के बारे में वो कभी ज्यादा बात नहीं किया करता था. सिर्फ एक या दो मरतबा बातों ही बातों में उसने अपने बारे में थोड़ी बहुत मालूमत मुझे दी थी. त्याचा मुलगा माझ्या एवढाच होता, सोलापूरला कुठल्याशा गिरणीत होता तो. दादूच्या खेड्यातला जमिनीचा एक तुकडा सावकाराकडे खूप दिवस गहाण पडला होता. म्हातारपणामुळे शेती होईनाशी झाली तेव्हा बायकोला घेऊन तो इथे आला आणि त्याने मुलाला सोलापूरला पाठवले. फार उशिरा झालेला एकुलता एक मुलगा होता तो त्याचा. लेखक कहते है कि दादूने मुझे उसके बारे में कुछ बातें बताई थी कि दादू का भी एक लड़का है जो मेरी ही उम्र का है जो सोलापुर में किसी गिरनी यानी कपड़े के कारखाने में काम करता है और दादू जिस देहात में रहता है उस देहात में दादू के पास एक खेत है और वो खेत बहुत दिनों से किसी साहूकार के पास गिरवी पड़ा हुआ है. साहूकार, साहूकार यानी सूद का कारोबार करने वाला शख्स और गिरवी पड़ने यानी गहन पड़ने और किसी बहुत सालों से जो है उसके पास वो गिरवी पड़ा हुआ है. बुढ़ापे के वजह से दादू से अब खेती नहीं होती थी इसलिए वो अपनी बीवी को लेकर यहाँ पर मुंबई में आ गया और उसने अपने लड़के को सोलापुर में भेज दिया. एकुलता एक मुलगा होता तो त्याचा. लेखक कहते हैं कि दादू को एक लौता लड़का था इसके बावजूद भी उसने उसे सोलापुर को भेज दिया था. तो मैंने उससे पूछा तुम्ही आई बाप सोलापुरला मुलाकडे का राहत नाही. मैंने उससे पूछा कि आप दोनों वालिदैन अपने एक लौते लड़के के पास क्यों नहीं रहते हो. तब उसने कहा आम्ही दोघ सोलापूरला गेलो की तिथे पोराचा खर्च वाढणार मग तो सावकाराकडली जमीन सोडून कशी घेणार. तब उसने कहा कि अगर हम दोनों रहने के लिए सोलापूर को चले गए तो वहां पर मेरे लड़के का खर्च बढ़ जाएगा और अगर उसका खर्च बढ़ जाएगा तो हमारी जो जमीन साहूकार के पास गिरवी पड़ी हुई है फिर वो उसे कैसे छुड़ा पाएगा. बायको इथे कड़धान्य विकून चार पैसे मिलवते. फिर उसने कहा कि यहाँ पर मेरी बीवी जो है कड़धान्य यानी कौम निकला हुआ अनाज जैसे मट मूंग चौली चना मटर वगैरह वो यहाँ पर बेचकर जो चार पैसे कमा लेती है. सोलापुर ती काय करणार, सोलापुर में वो क्या करेगी, तिथे मोड़ खपतात की नाही कौन जाने, वहां पर कोम निकला हुआ अनाज बिकता है या नहीं ये किसे पता. सोलापुरात इतल्या सारखी कॉलेज नाही तेव्हा माझ्या सारख्या म्हाताऱ्याला तिथे कोण काम देणार. फिर लेखक कहते भी दादू ने बताया कि जिस तरह मुंबई में बड़े बड़े कॉलेज है और कॉलेज की वजह से हमारे ऐसे बूढ़ों को यहाँ पर काम मिल जाता है सोलापुर में ऐसे बड़े कॉलेज है भी या नहीं किसे पता. अगर वहां पर कॉलेज नहीं रहे तो हम जैसे बूढ़ों को वहां पर काम कौन देगा. पर मुला वाचून कस करमते रे तुला. फिर लेखक ने कहा कि मैंने उससे पूछा कि लड़के के बगैर तेरा दिल कैसे लगता है. करमने, करमने एखाद्या गोष्टीत मन लागणे.
न करमायला काय झालं साहेब, तुम्ही नाही का आले आई वडिलांना सोडून? तसा माझा मुलगा मला सोडून गिरणीत गेलाय, मी इथं तुमचं काम करतोय ना सोलापुरात, अशीच कुणीतरी म्हातारी त्याला जेवायला घालत असेल। कि मेरी इन बातों के ऊपर दादू ने कहा कि उसमें दिल ना लगने वाली बात कौन सी है साहेब, जिस तरह आप अपने वालिदैन को छोड़कर यहाँ पर आए हो, बिल्कुल उसी तरह मेरा लड़का भी हमें छोड़कर सोलापुर में गया हुआ है। जैसे मैं आपका यहाँ पर काम करता हूँ सोलापुर में, बिल्कुल उसी तरह कोई बूढ़ी भी उसे खाना खाने के लिए देती होगी, उसका काम करती होगी। 3 महीने दादू चीनी माझी कमीत कमी 3 वर्षाची ओळख आहे असे वाटू लागले। लेखक कहते हैं कि दादू और मेरी मुलाकात को सिर्फ 3 महीने हुए थे, लेकिन हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो गया था कि मानो ऐसा लग रहा था कि हम कम से कम 3 सालों से साथ में है। क्रिकेट जोरा शुरू झाल्यामुळे कित्येकदा रात्री 8 वाजेपर्यंत मी बिरहाडी येत नसे, पण मला कितीही उशीर झाला तरी ओट्यावर अंधारात दादू माझी वाट पाहत बसलेला असे। लेखक कहते हैं कि उन दिनों क्रिकेट के मुकाबले बहुत जोरों शोरों से शुरू थे और मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था। कि क्रिकेट शुरू होने के वजह से कई मरतबा रात के 8-8 बजे तक जो है मैं बिरहाड़ी यानी मुकाम की जगह नहीं पहुंच पाता था, तब दादू जो है अंधेरे में बैठकर मेरा इंतजार किया करता था। पण मला कितीही उशीर झाला तरी उठ्यावर अंधारात दादू माझी वाट पाहत बसलेला असे। मुझे आने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, दादू जो है ओटे के ऊपर बैठकर अंधेरे में मेरा इंतजार किया करता था। एखाद्या दिवशी मला यायला उशीर झाला, नी डब्यातला भात थंड झाला, तर दादू लगेच स्टोव पेटवायला उठे। किसी दिन अगर मुझे आने में ज्यादा देर हो जाए और टिफिन के अंदर का जो खाना है चावल है अगर वो ठंडे हो जाए तो मुझे देखते ही दादू फौरन उठ जाया करता था। गार झालेला भात स्टोवर तापवला म्हणून त्याला उन्हीत भाताची गोळी कशी येणार, पण दादूने ऊन केलेला तो भात खाताना मला फार गोड वाटे। त्या गोळीचा उगम अन्नात न होता तर दादूच्या मनात होता। लेखक कहते है कि अगर किसी दिन मुझे आने में देर हो जाए और खाना अगर ठंडा हो जाए तो दादू जो है फौरन उठता था, स्टोव जलाता था और खाना गर्म करने लगता था। अगर कोई खाना एक मरतबा ठंडा हो जाए और उसे अगर दोबारा गर्म किया जाए तो उस खाने में वो लज्जत नहीं बाकी रहती है जैसे गर्म खाने के अंदर होती है। लेकिन दादू जब वो खाना गर्म करके मुझे खाने के लिए देता था तो उस खाने में मुझे इतनी लज्जत महसूस होती थी, लेकिन वो जो लज्जत होती थी वो खाने में नहीं होती थी, बल्कि दादू जिस खुलूस से वो खाना गर्म करता था और मुझे परोसता था, मुझे खिलाता था, तो वो लज्जत जो है दादू के दिल में थी, दादू के मन में थी, दादू की मोहब्बत में थी।